प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के लिए भाजपा पूरी ताकत से जुटी हुई है, जिसका असर आजमगढ़ में भी देखने को मिला। सीएम योगी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए यूपी की सियासत में आए जिन्ना का जिक्र करते हुए शाह ने जैम का मतलब भी समझाया। अपने भाषण में शाह ने और क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी ताकत से जुटी हुई है, जिसका असर आजमगढ़ में भी देखने को मिला। सीएम योगी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों की शुरुआत ही सपा पर निशाना साधते हुए की। यूपी की सियासत में आए जिन्ना का जिक्र करते हुए शाह ने जैम का मतलब भी समझाया। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो। तो उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। शाह ने कहा जो आजमगढ़ आतंकवाद के नाम से जाना जाता था, वहां यूनिवर्सिटी खुल रही है। उन्होंने कहा ये परिवर्तन की शुरुआत है। जो आजमगढ़ देश विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथ के लिए जाना जाता था, वो अब शिक्षा के लिए जाना जाएगा। यहां के युवा शिक्षित होकर निकलेंगे। वहीं सुहेल देव के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि आजमगढ़ में बन रही यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेल देव के नाम पर रखी जाएगी। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेल देव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी सरकार में बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में माफिया राज खत्म हुआ। शाह ने चुनावी वादों को याद दिलाते हुए कहा हमने पिछले चुनाव में 10 यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था और अब 10वीं यूनिवर्सिटी बन रही है। इसके अलावा 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का जो वादा किया था, जो 2017 से पहले यूपी में केवल 10 थी, वो वादा भी पूरा करते हुए भाजपा ने प्रदेश को 40 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा यहां पहले जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण होता था, उस पर योगी जी ने पूर्ण विराम लगा दिया। 5 साल के अंदर यूपी में बहुत परिवर्तन आया। पहले जीडीपी 10 लाख करोड़ थी,
आज 32 लाख करोड़ है। बेरोजगारी दर घट गई है। मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 3,800 हो गई है। शाह ने यूपी सरकार में हुए कामों को गिनाते हुए कहा, पहले 4 हवाई अड्डे थे, आज 8 है। आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 5 बन चुके हैं। पहले बच्चियों की शिक्षा नहीं हो पाती थी, अब हर बच्ची पढ़ रही है। माफिया यूपी छोड़कर चले गए हैं। योगी जी ने कठोरता के साथ हजारों एकड़ जमीन माफियाओं से खाली करवाई है और इन जमीनों पर विकास कार्य करवा रहे हैं। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। केराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। अमित शाह ने आजमगढ़ में मोदी के कामों की भी सराहना की। शाह ने आजमगढ़ में अपने संबोधन के दौरान जैम का मतलब भी समझाया। अमित शाह ने कहा, मोदी जी जैम लाए, मतलब जनधन योजना, आधार कार्ड, मोबाइल। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, वो लोग भी जैम लाए, यानी जिन्ना आगर मुख्तार। विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा, वो लोग पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे। मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास भी किया और भव्य मंदिर भी बनवाया। वो धारा 370 पर भी पूछते थे कब हटाएंगे। आपने बहुमत दिया तो मोदी जी ने धारा 370 को भी खत्म कर दिया। सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने, जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूं। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव आने वाले हैं, भाजपा को आजमगढ़ से सीटें नहीं मिलती, बहुत हो गया, भाजपा के अलावा किसी का खाता न खुले, इसकी व्यवस्था कर दीजिए। आखिरी में भाषण समाप्त करते हुए अमित शाह ने यूपी चुनाव में भाजपा को 300 पार वाली सरकार बनाने का वादा भी लिया और अंत में शाह ने फिर से आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां सरस्वती का एक मंदिर बनने जा रहा है जो आजमगढ़ की छवि को पूरे विश्व में बदलने का काम करेगा। गृह मंत्री के सपा पर लगाए गए आरोपों के बाद अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया होगी और यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से जीत का परचम लहराएगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।